नमस्कार दोस्तों। तो चलिए मैं आज एक कुछ अलग किस्म का फार्म में लाया हूँ, जो शायद ही आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। देखिए, जो वीडियोकॉन या सेंसुई का जो कलर टीवी सी आर टी टीवी रहता है, उसका पीसीबी मेरे पास एक दोस्त ने लाया था रिपेयरिंग के लिए। वो खुद कोशिश किया लेकिन उसको उससे नहीं बना, इसलिए मेरे पास लाया। तो देखिए, ये उसका चेसिस है, किट है। इसका प्रॉब्लम वो बोल रहा है ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका जो इंडिकेटर होता है वो ब्लिंक कर रहा है। इसका पावर सप्लाई है, यहीं पर देखिए इसका कुछ मॉडल नंबर लिखा हुआ है, जो इसका किट का नंबर है यहाँ पर, मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। और इसका मेन आईसी जो है TDA 12135PS कुछ 81 लास्ट में इसका नंबर है, इसमें कुछ लगा हुआ है ऐसा। तो मैं वीडियो तो दोस्तों मैं बाद में बनाया हूँ, साउंड को मैं बाद में दिया हूँ, वीडियो पहले बना लिया था। किट को रेडी करने के बाद ही मैं वीडियो डाला, क्योंकि मैं सोचा कि किट बनेगा कि नहीं। फिर मैं भी इसमें करीब 1.5 घंटा के काम किया हूँ। मेरा दोस्त ने तो एक वो भी थोड़ा टाइम लगा था, उसने एक अलग किट को कॉपी करके भी इसमें कोशिश किया, लेकिन फाट थोड़ा छोटा सा था मेरा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको वीडियो डाल दिया जाए। यूट्यूब में भी ऐसा वीडियो ज़्यादा नहीं है, इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा था, ये रेगुलेटर सप्लाई का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन उसने पावर सप्लाई को पूरा छेड़ दिया था, यहाँ का STR भी चेंज किया, तभी भी ये ब्लिंकिंग नहीं गया। अगर पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है तो ब्लिंकिंग थोड़ा थोड़ा होता है, और अगर इधर का सेकेंडरी साइड का प्रॉब्लम रहता तो बिल्डिंग स्पीड होता है, ये जानना ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा दूँ। और देखिए, यहीं का एक कंडेंसर मैंने चेंज किया हुआ है, जो पीला वाला दिख रहा है आप लोगों को। तो दोस्तों, करीब करीब यहाँ का सब कुछ पार्ट्स बिल्कुल मैं एक बार चेक किया गया है, लेकिन वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तो आप लोग भी इसको आराम से सही कर लेंगे। फाट ज़्यादा कुछ नहीं है, जो रेगुलेटर का वोल्टेज होता है इसी को सही करना रहता है। कैसे इसका प्रॉब्लम रहता है, क्यों ये प्रॉब्लम आता है, या कैसे इसको रिपेयरिंग करेंगे आप लोग, ये वीडियो देखिए, पूरा नॉलेज आप लोग मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जो मैं कुछ वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, मैं CRT-TV के बारे में भी बता देता हूँ। तो चलिए, मैं अभी इसको फाट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फाट कैसा था, मैं उसको भी छोटा वीडियो बना के पहले रखा था, मैं तो वीडियो एडिट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो चलिए, मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं इसमें अभी लाइन दे रहा हूँ, और दोस्तों वो वायर को मैं भूल कर ऊपर रख दिया था, वो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए रखा था। देखिए अभी ब्लिंकिंग कैसा कर रहा है, ऐसा ही प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम कितना भी पार्ट चेंज कर लिया लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। तो कैसे इसको सही किया, और इसका वोल्टेज भी देख लीजिए, वोल्टेज भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, जो 120 इसका जो सप्लाई रहता है ST को जाता है, वो भी थोड़ा देखिए 49 पॉइंट, और उधर 49 का भी 40 ऐसा हो रहा है, बाकी सब सप्लाई ड्रॉप हो जा रहा है ये तो, और स्टैंड बाय से रिलीज भी नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा इसका फॉल्ट है। तो कैसे मैं इसको सही किया है, ये मैं वीडियो इसके बाद में दे रहा हूँ। देखिए, देखते रहिए आप लोग वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो छोड़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ये वीडियो कॉन सेंसुई में ज़्यादातर ये सब फॉल्ट आता रहता है। देखिए, तो मैं इसमें इसका पावर सप्लाई के मैं पूरा जितना पार्ट्स था करीब करीब लगभग मैं सारा कुछ चेंज करने की कोशिश किया हूँ। मेरा दोस्त ने तो ये SMPS ट्रांसफार्मर जो है वो उसने बोला एक सेम किट से वो इसमें भी चेंज करके देखा है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं गया।
बाद में वो स्टीयर भी चेंज किया, और साथ ही साथ इसका यहीं पर एक डायोड रहता है जो ऑक्सिलरी सप्लाई से और एक मेन एसी 220 से दो 120 के 120 के रेजिस्टेंस लगकर यहीं एक डायोड लगकर 120 लग कर यहाँ पर डायोड लगकर जो वोल्टेज बनता है 18 वोल्ट के करीब, जो एसटीआर का वीसीसी है मिडिल वाला पिन में जो जाता है सप्लाई, यहीं से बनता है। वो भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था और 18 वोल्ट के 15 वोल्ट के करीब रहना चाहिए 16 वोल्ट, लेकिन वहाँ वोल्टेज थोड़ा कम था। तो मैंने चेक किया है, लेकिन उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत लंबा हो गया था वीडियो, इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता, देखिए इतना कुल पार्ट उसने चेंज किया है, इतना सब कुछ पार्ट, एजिनो डायड डायड, इसके साथ ऑक्टो कपलर भी चेंज किया, बहुत कुछ चेंज किया है, लेकिन फिर भी काम नहीं बना है दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम एकदम छोटा सा था, ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं, तो मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। तो देखिए सेकेंडरी के साइड में मैंने तो पहले देखा दिया वोल्टेज यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है, और इस साथ ही साथ यहाँ का जो ड्राइवर सप्लाई का वोल्टेज रहता था 25 वोल्ट वो और 12 वोल्ट का जो डायड है उसको भी वो चेंज कर दिया था, फिर भी उसका प्रॉब्लम नहीं गया। मैं भी था लेकिन मैं दूसरा काम में व्यस्त था तो मैं ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया, बाद में बोला कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, तो मैंने फिर थोड़ा अच्छा से इसमें ध्यान दिया, मुझको भी थोड़ा टाइम लगा है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी टेक्नीशियन हो बेकार में से टाइम उसका वेस्ट ना हो, कोई भी नहीं चाहता कि कोई काम में कोई फंसे, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो डालना चाहा। देखिए यहीं पर जो इसका रेगुलेटर सप्लाई, मैं पहले बोला था लास्ट में बताऊंगा, जो रेगुलेटर सप्लाई जो आईसी को जाता है रेगुलेट होकर 5 वोल्ट 8 वोल्ट, प्रॉब्लम वहीं पर था, जो यहाँ का वोल्टेज जाना चाहिए वो सही से नहीं जा रहा था, इसलिए प्रॉब्लम आया। तो यहीं पर एक ड्राइवर का ट्रांजिस्टर था, ड्राइवर का जो सप्लाई होता है उसका जो कैपेसिटर होता है उसको भी चेंज किया गया 50 वोल्ट वाला, फिर भी काम नहीं बना। तो लास्ट में मैंने जो 12 वोल्ट वाला जो रेगुलेटर सप्लाई का जो वोल्टेज कैपेसिटर रहता है मैंने उसको चेंज कर दिया। देखिए यहीं पर रहता है जो 1025 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, बिल्कुल न्यू कैपेसिटर मैंने लगाया तो ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इसके लिए तो मैंने दिखाना पड़ेगा मुझको वीडियो। तो चलिए मैं इसमें अभी मैं लाइन देके आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं ट्यूब में भी इसको फिट कर लिया हूँ, क्योंकि कोई भी किट रेडी करने के बाद आप इसको ट्यूब में ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि इसका पिक्चर देखना जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई फॉल्ट अगर रह जाएगा तो बाद में आपको परेशानी कर सकता है। तो दोस्तों देखिए मैं इसमें अभी एसी करंट दूंगा और मैं साथ ही साथ मल्टीमीटर को ले लेता हूँ, इसमें मैं डीसी वोल्टेज का चेक करके दिखाऊंगा। तो मैं इसका इसको थोड़ा मैं कैमरा एक हाथ से कर रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा परेशानी मिल रहा है मुझको। तो मैं यही 120 पर देखिए अभी स्टैंड बाई रिलीज नहीं आया, 49 वोल्ट है ईएसटी सप्लाई, अभी मैं जो कीबोर्ड को जाता है सप्लाई वहीं पर मैं इसको शॉर्ट करा देता हूँ, तो स्टैंड बाई रिलीज हो गया, अभी स्टैंड बाई रिलीज हो गया। अभी देखिए सप्लाई, अभी तो मैं सीरीज बोर्ड में दिया हूँ, 200 वाट का लैंप है इसलिए बल्ब ग्लो होकर ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड का पीसीबी है इसलिए इसका लोड नहीं ले रहा है। मैं तो अभी ओवेल टीवी में इसको फिट किया हूँ, ओवेल जो सीआरटी ट्यूब रहता है चेक इन के लिए। देखिए अभी मैं इसमें लाइन दिया है, डायरेक्ट लाइन दिया हूँ तो इंडिकेटर पूरा फुल ग्लो हो रहा है और कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है। अभी मैं एसटी सप्लाई दिखा रहा हूँ, देखिए 47.2 वोल्ट है और यहीं का जो ड्राइवर सप्लाई रहता है ये भी अभी सही आ गया 5.6 रेगुलेटर सप्लाई। अभी मैं स्टैंड बाई से रिलीज़ करा देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर इसको टास्क कर दिया, स्टैंड बाई रिलीज हो गया। यहाँ का वोल्टेज अभी देखिए 116 वोल्ट 116 वोल्ट आ गया,
और ESD बन रहा है कि नहीं, इसके लिए मैं 180 वोल्ट जो वीडियो आउटपुट सप्लाई है, देखिए 131 वोल्ट बन रहा है, क्योंकि ट्यूब अलग है दोस्तों, इसलिए इसका वोल्टेज भी थोड़ा कम बन रहा है। देखिए मैं ट्यूब मैं ग्लास में दिखा दिया, पिक्चर भी बन गया है। तो कुछ इसी प्रकार से इसका फॉल्ट फाइंडिंग करना पड़ता है। सिर्फ एक कैपेसिटर का प्रॉब्लम से देखिए कितना कुछ इसमें चेंज करना पड़ गया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। करीब 2-3 घंटा के लिए PCB ने दोस्त को बहुत परेशान किया, मुझको भी थोड़ा किया है। वीडियो देखने में धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।